वर्तमान की परिस्थितियों में जाति, धर्म, रंग रूप और कौम को जितना महत्व दिया जा रहा है, यदि इतिहास में इतनी बार जाति, धर्म और कौम को पूछा गया होता तो भारत का इतिहास इतना लंबा नहीं बल्कि बहुत ही संक्षिप्त हो जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ पन्नाधाय के त्याग के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अन्य जातियों के लोगों ने भारत के इतिहास में क्या योगदान दिया है, जबकि कथित क्षत्रिय अपने इस इतिहास को खुद की जागीर समझते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर अब ज्वाइन बटन आ चुका है, तो जो भी मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस ज्वाइन बटन को दबाकर टीम अग्निवेश में शामिल हो सकते हैं, जिसके द्वारा उनको कुछ पर्क्स जो हमारी तरफ से दिए जाएंगे वो स्पेशल होंगे और उसके साथ साथ आपके इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो में इन्वॉल्व रहेंगे आपके नाम के साथ। तो आप यदि माँ पन्नाधाय के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके हमको ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के हिस्ट्री से जुड़े हुए असली इतिहास की वीडियो आपको समय समय से मिलते रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो और जवाब लाते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 1500 ईस्वी के मेवाड़ के नरेश महाराणा सांगा की। उनके राज परिवार के अतिरिक्त उनके साथ उनकी कुछ धाए माँ भी हुआ करती थी, जो उस समय के रानियों की, महारानियों के पुत्रों का पालन पोषण करती थी। ऐसे में एक धाय माँ, जिसको उस समय लगभग नौकरानी का ही दर्जा मिला होगा, उसने इतिहास को ऐसे त्याग से परिचित करा दिया जिसका कोई दूसरा उदाहरण इस पूरे विश्व में ना कोई माँ दे पाई ना कोई पिता। ये घटना तब की है जब 1500 ईस्वी के आसपास महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी और उनकी महारानी कर्णावती को एक पुत्र उदय था, जो बहुत ही छोटा था और उस समय क्योंकि महारानी राणा सांगा के मृत्यु से बहुत दुखी थी, अतः उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। ऐसे में राज को, शासन को चलाने के लिए उनके यहाँ एक निरीक्षक की नियुक्त की गई थी, जिसका नाम बाणवीर था। जो उनका अपना खून था, जो उनका अपना रक्त था, वो लालच से और लोभ से परिपूर्ण था और वो सिर्फ हमेशा यही सोचता रहता था कि इतिहास में वो अपने नाम को किस प्रकार दर्ज कराए, और इसके लिए उसको उदय प्रताप का कत्ल करना था। क्योंकि इतिहास, आप जानते हैं कि अंबारों से भरा हुआ है, उन तलवारों की लकीरों से जिनको लिखते लिखते इतिहासकारों की कलमें रक्त रंजित होती चली गईं। वो बात चाहे किसी भी ऐतिहासिक नरेश की रही हो, चाहे मुगल की रही हो, चाहे राजपूतों की रही हो, चाहे अन्य किसी क्षत्रिय वर्ग की जिसने भारत के इतिहास में अपना योगदान रखा है, क्योंकि राजतंत्र में वो कार्य जो आज आप लोकतंत्र में वोट देकर करते हैं वो संभव नहीं था। पहले यदि आपको राजा बनना है या गद्दी हासिल करनी है तो उस व्यक्ति को वहाँ से हटाना पड़ेगा जो कि उस सिंहासन का अधिपति होता था। यही बात बाणवीर को लगातार उसके अधिक लोभ और महत्वाकांक्षा को बढ़ाता जा रहा था, और वो जानता था कि जिस दिन उदय बड़ा होगा, मेवाड़ उसकी सत्ता होगी। उस राज निरीक्षक बाणवीर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इस राजतंत्र में यदि राज करना है तो आने वाले अधिपति को पहले ही समाप्त कर दिया जाए। इसलिए उसने समय समय पर ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूर्ण रूप देने के लिए बहुत सारी साजिशें कर रखी थीं। इसी बीच महारानी कर्णावती की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने माँ पन्नाधाय को संदेश भिजवाया और अपने संरक्षक से कहा कि माँ पन्नाधाय को उनके साथ अकेला छोड़ दिया जाए। जैसे ही माँ पन्नाधाय महल में प्रवेश करती हैं, महारानी रोती हुई उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि पन्नाधाय, मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ, यदि तुम हाँ करोगी तो मैं उस बात को तुम्हें बताऊँगी, नहीं तो मैं पुनः उस बात पर चर्चा नहीं करूँगी। पन्नाधाय ने महारानी के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाकर ये कहा, हे महारानी, अभी तक मैं आपके अधीन थी, आपके वचनों का पालन करना ही मेरा धर्म है, जल्द ही मुझे उस विषय से परिचित कराएं। महारानी कर्णावती ने कहा कि मेरी उम्र अब कुछ क्षण मात्र की है, लेकिन पन्नाधाय तुम कुछ भी करना, उदय प्रताप को खरोच मत आने देना, मुझे वचन दो। पन्नाधाय ने सिर झुकाए झुकाए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और महारानी कर्णावती को ये वचन दे दिया कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन महाराजा उदय, जो उसके भाभी महाराज हैं, उसको वो खरोच अपने जीवन के अंतिम सांसों तक नहीं आने देगी। एक दो घंटों के बाद महारानी कर्णावती का स्वर्गवास हो गया। अब उदय अकेले थे। माँ पन्नाधाय को भी एक पुत्र था जिसकी उम्र लगभग महाराज उदय के बराबर थी। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि उस महत्वाकांक्षी बाणवीर ने
ये साजिशों का दौर जारी रखा था कि किस प्रकार उदय की हत्या की जाए। अतः वो तलवार लेकर रात्रि के समय में महल में प्रवेश करता है और पन्नाधाय के पास जाता है और उससे कहता है कि कहाँ है उदय। उसकी आंखों की क्रोध और लालिमा को देखकर मां पन्नाधाय तो पहले ही समझ चुकी थी कि वो किस उद्देश्य से महल के अंदर आया है, किंतु क्योंकि वो निरीक्षक था तो उन्होंने उसको प्रणाम करते हुए उसके आने का उद्देश्य पूछा। बाणवीर बहुत ही क्रूर था, उसने कुछ उद्देश्य नहीं बताया, बस ये बताया कि उदय का भेंट आज वो अपनी तलवार से कराने के लिए महल में प्रवेश हुआ है और हर्जा पन्नाधाय यदि इस रास्ते में तू आई तो तुझे अपने पुत्र के साथ अपनी भी जान खोनी पड़ेगी। लेकिन बाणवीर शायद ये भूल चुका था कि आज उसकी भेंट उस माता से नहीं हुई जो उसके सामने हाथ जोड़कर अपने पुत्र के जान की भीख मांगेगी, उसकी भेंट उस माता से हुई जिसने वचनबद्धता के साथ माँ का धर्म अपनाया था। वास्तव में बाणवीर के आने की भनक माँ पन्नाधाय को पहले से ही लग चुकी थी, अतः उन्होंने उदय को महल से निकालने का निर्णय ले लिया था और उन्होंने एक पत्तल फेंकने वाले व्यक्ति को उदय को देकर यह कह दिया था कि इसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और जैसे ही वो महल से निकलने का मौका पाएंगी शीघ्र उससे मिलकर उदय को अपने पास ले लेंगी। और उनको पता था कि जल्द ही बाणवीर यहाँ पर उदय को मारने के लिए आने वाला है। यह बात जानने के बाद भी माँ पन्नाधाय ने अपने दिल को पत्थर जैसा बनाया और अपने बच्चे को उदय के स्थान पर राजसी कपड़े पहनाकर लिटा दिया ताकि बाणवीर को ये पता भी ना चले कि यह उदय नहीं चंदन है। क्योंकि बाणवीर क्रोध के आवेश में था अतः उसने कोई निर्णय लेने से पहले ही तलवार चला दी और माता के सामने ही उसके पुत्र का रक्त प्रवाहित होने लगा। अपने पुत्र के रक्त को बहते हुए देखकर यदि कोई भी माँ होती तो वो चीत्कार कर उठती, लेकिन धन्य थी वो धाय माँ पन्ना जिसने इस रक्त रंजित चित्र को भी देखा और अपने वचनों से नहीं डिगी। उसकी भाव भंगिमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही वो कारण था जिससे वो निरीक्षक बाणवीर निश्चिंत होकर वापस लौट गया और बच गया भारत के सिंहासन का उदय, महाराजा उदय प्रताप। मैं अपने दोस्तों से इस वीडियो में एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि एक लाइक करके माँ पन्नाधाय को श्रद्धांजलि दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि भारत के लोगों को ये याद रहे कि जब महाराणा सांगा इतिहास में थे उस समय एक माँ पन्नाधाय भी थी जिसने अपने जाति धर्म और रक्त के रिश्तों को दूर रखते हुए इस भारत के इतिहास को कलंकित होने से बचाया है। इसी घटनाक्रम के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।